हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ एक सिंगल साड़ी से लहंगे की ड्रेपिंग कैसे करते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये एक सिंगल साड़ी है। इससे मैंने लहंगे का लुक क्रिएट किया है। आज मैं इस साड़ी के ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, दोनों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम किसी लहंगा साड़ी का कोई भी वीडियो देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये प्लीट्स निकल तो नहीं जाएंगी, हम कहीं बाहर ये लहंगा कैरी करेंगे तो हमारा लहंगा खुल तो नहीं जाएगा, ये लहंगा कंफर्टेबल है या नहीं। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. साड़ी को ड्रेप करने से पहले सबसे पहले आप अपनी हील्स को पहन लें, जिससे कि आपकी साड़ी का लुक काफ़ी अच्छा आता है। और ये साड़ी मेरी काफ़ी टाइम से ऐसे ही फोल्ड करके रखी हुई थी, तो इसको थोड़ा ओपन करने में टाइम लग रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपनी साड़ी में एक नॉट बना लेंगे। आपने अपनी किसी न किसी साड़ी में देखा होगा कि उसमें जो नीचे बॉर्डर होता है या डिज़ाइन होता है वो काफ़ी दूर से होता है, जो कि पीछे से देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर जिसमें बॉर्डर काफ़ी दूर से होता है तो मैं साड़ी को फोल्ड करके कैरी करती हूँ, इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और जो डिज़ाइन है वो मेरे लेफ़्ट लेग पर आना चाहिए, जो पीछे बैक में है वो पूरा डिज़ाइन कवर होना चाहिए। बट मैं आज इसको फ़ोल्ड करके कैरी नहीं कर रही हूँ, इसका जो प्लेन वाला पार्ट है उसको पूरा पीछे तक ले रही हूँ। पर उसको पीछे तक लेने से एक ड्रॉबैक होता है कि अगर आप उसको पीछे से लेंगे तो आपको चलने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आप वही वाला तरीका फॉलो करें जो मैंने आपको बताया है साड़ी को फोल्ड करके। इसको मैंने जस्ट ट्राई किया था जिससे कि मुझे पता लगे कि इस टाइप से ही अगर हम साड़ी को कैरी करेंगे तो वो कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। तो आपको चलने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए आप पूरी साड़ी को पीछे तक कवर ना करें, आगे से फोल्ड कर लें, वो बेटर रहेगा। या साड़ी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट करके निकलवा दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे हम नॉर्मल साड़ी ड्रेप करते हैं, साड़ी की एक बेसिक टकिंग यानी कि एक राउंड जो ड्रेपिंग होती है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसकी जो प्लीट्स हैं वो बहुत जल्दी और इजी बन जाती हैं। ये साड़ी मेरी फ़ोल्ड करके रखी हुई थी तो इसमें काफ़ी रिंकल्स आए हुए हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने इस साड़ी को प्रेस नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर साड़ी की बड़ी बड़ी प्लीट्स बना लेंगे, बहुत छोटी प्लीट्स नहीं बनाएंगे, और थोड़ी बड़ी बड़ी प्लीट्स बनाते हुए एक लहंगे की ड्रेपिंग को कंप्लीट करेंगे। लहंगा साड़ी ड्रेपिंग में सबसे ज़्यादा डाउट आता है प्लीट्स को लेकर के, हमारी ये प्लीट्स निकल तो नहीं जाएंगी। अगर आप अपनी हर एक प्लीट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो निकल जाएंगी, या फिर ऊपर नीचे हो जाएंगी, या अगर आप चलेंगे या उठेंगे या बैठेंगे तो आपकी प्लीट्स आगे पीछे या आपका जो पूरा जो लहंगे का लुक है वो ख़राब हो जाएगा। आपको हर एक प्लीट्स में अलग अलग एक एक सेफ्टी पिन लगाना होगा। और अगर आपकी साड़ी सिल्क फैब्रिक या चंदेरी फैब्रिक में है तो सिंगल सिंगल अगर आप सेफ्टी पिन लगाएंगे तो ऊपर से आपकी साड़ी अगर पैर के नीचे आई या आपके छोटे बच्चे हैं उन्होंने साड़ी को खींच दिया तो वो साड़ी डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। अगर आप पतले तो आप काफ़ी थिक है फैब्रिक की साड़ी को इसमें ले सकते हैं लहंगा साड़ी की ड्रेपिंग के लिए। और अगर आपका कमर वाला पार्ट काफ़ी हैवी है या आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आपको पतले फैब्रिक की ही साड़ी लेनी होगी। बट ध्यान रखिए, उसमें भी आप सिल्क की या फिर सैटन फैब्रिक की या फिर चंदेरी फैब्रिक की साड़ी को सिलेक्ट ना करें। काफ़ी लोगों का डाउट है कि अगर हम पेटीकोट को काफ़ी टाइट से बांधेंगे तो क्या ये प्लीट्स में सेफ्टी पिन लगाना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप पेटीकोट को कितना भी टाइट से बांधेंगे, अगर आपकी साड़ी सिल्की है, अगर आप एक एक प्लीट्स बना रहे हैं तो इसमें हर एक प्लीट्स को आपको सेफ्टी पिन से सिक्योर करना होगा, वरना आपका लहंगा प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा और आपकी प्लीट्स भी निकल सकती हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप इस साड़ी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप जन्माष्टमी पूजा कर रहे हैं फैमिली के साथ, रात में हम लोग जैसे कि रेडी होते हैं या फिर दिवाली पूजा के लिए रेडी होते हैं, तो उस टाइम पर आप इस साड़ी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, वो भी विदाउट सेफ्टी पिन के। तो इतने टाइम के लिए तो आपकी ये साड़ी टिक सकती है। और अगर आप इस साड़ी को कहीं बाहर कैरी करते हैं तो आपको दो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। आपको हर एक प्लीट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर करना होगा, और साड़ी का सिलेक्शन आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और इस लहंगा साड़ी के अकॉर्डिंग ही करना होगा। अपने अकॉर्डिंग इस साड़ी की पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। तो चलिए आइए हम पल्लू वाले पार्ट को रेडी कर लेते हैं। इसके पल्लू को कैरी करना बहुत ही इजी और सिंपल है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, आपको जो लास्ट वाला पार्ट है, दोनों पार्ट को अपने हाथ में लेना है और एक पार्ट को बैक साइड से और एक पार्ट को फ्रंट से कवर कर लेना है। पल्लू के दोनों कॉर्नर को हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर लेके आएंगे और दोनों को जॉइंट करके हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। अगर आप सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं करना चाहते तो एक नॉट भी बना सकते हैं, यानी कि ऊपर गांठ लगा दें,
फ्लावर के लुक के अकॉर्डिंग एक गांठ लगा दे तो वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ब्लाउज़ के साथ आप देखिए इस साड़ी का फाइनल लुक। इस साड़ी को मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कैरी किया है तो इसका ब्लाउज़ मुझे अभी काफ़ी लूज़ है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद मैं यहाँ पर एक वेस्ट चेन ऐड करूँगी, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो वेस्ट चेन ऐड करने के बाद हमारा ये लुक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओवरऑल देखा जाए तो अपने घर में रखी हुई किसी भी साड़ी से आप इस लहंगे लुक को क्रिएट कर सकते हैं और वो भी बिना पैसे खर्च किए आपका एक रेडीमेड लहंगा बन के तैयार हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर किसी भी साड़ी की ड्रेपिंग को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।